वेलकम गाइज, स्वागत एक बार फिर से आपका अपने चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टीओडी प्रोजेक्ट के बारे में, यानी अब जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं हाई राइज वो टीओडी के अंदर आ रहे हैं, यानी ट्रांजिट ओरिएंटल डेवलपमेंट। यानी ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी को लेके जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनको कनेक्ट करना है, जैसे बस स्टैंड आपका मेट्रो के साथ, आपके आसपास स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके साथ कनेक्टिविटी के तहत टीओडी लाइसेंस में अब जितने भी गुड़गांव के अंदर जो प्रोजेक्ट आप देखने वाले हैं हाई राइज के अंदर, उस सारे के सारे टीओडी लाइसेंस के तहत आएंगे। यानी उसी के अंदर आपको कमर्शियल भी देखने को मिलेगा, हो सकता है स्टूडियो कमर्शियल भी हो सकता है, हो सकता है उसके अंदर रिटेल शॉप भी हो सकता है, कुछ ऑफिस स्पेस भी हो सकते हैं और रेजिडेंशियल भी हो सकते हैं। तो मिक्स यूज लैंड के ऊपर ये चीज आ रही है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, गंगा रियल्टी एक अपना प्रोजेक्ट लेके आ रही है सेक्टर 84 के अंदर, अल्ट्रा लग्जरी के अंदर। अल्ट्रा लग्जरी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका जो टिकट साइज है वो काफी बड़ा है, 3.5-4 करोड़ से यहाँ पे स्टार्टिंग होती है। और जो प्रोजेक्ट जिस हिसाब से ये लेके आ रहे हैं वो काफी अच्छा, यानी लमसम 42-45 स्टोरी तक यहाँ पे इनकी जो हाइट रहने वाली है टावर की वो रहेगी। बहुत लिमिटेड यूनिट है क्योंकि इसके नीचे भी कमर्शियल है, फिर आपके क्लब हाउस है और फिर इसके अंदर अपार्टमेंट है वो आने वाले हैं। यानी आप मान के चलो 7-8 फ्लोर से यहाँ भी अपार्टमेंट की शुरुआत होगी और उसके बाद कुछ जो एक क्लब हाउस है वो भी ये टेरेस के ऊपर ये बनाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट तरीके से कवर करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं सेक्टर 84 के बारे में कि 84 जो सेक्टर है उसकी कनेक्टिविटी क्या है, कौन कौन से सेक्टर आसपास लगते हैं, उसकी मेजर कनेक्टिविटी क्या है, फ्यूचर डेवलपमेंट क्या है। आप सभी जानते हैं जो जिन्होंने पहले चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और पहले वीडियो देख चुके हैं, मैं कोई भी प्रोजेक्ट जब भी यहाँ आपके साथ डिस्कस करता हूँ तो मैं सबसे पहले डेवलपमेंट की बात करता हूँ, उसके बाद आपको एक्चुअल साइट, उसके एरिए, उसका जो कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर किस हिसाब का है आसपास, वो कंप्लीट तरीके से कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की। तो उस चक्कर में वीडियो है वो काफ़ी बड़ी बन जाती है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि कंप्लीट वीडियो ना देख सके तो आप अभी एग्जिट हो जाओ, क्योंकि फिर फायदा नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में एक एक मिनट बहुत कीमती है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं एक अच्छा प्रोजेक्ट के अंदर ईओआई कलेक्ट करना, एक अच्छे रेट के अंदर आप एंटर होना चाहते हैं तो ये राइट टाइम है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। अभी ईओआई है वो ये एक्सेप्टेड कर रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें ईओआई 10 लाख रुपए की ईओआई ले रहे हैं। तो आइए एक बार इस प्रोजेक्ट को समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट का जो कंसेप्ट है वो किस तरीके का है, ठीक है। आइए सबसे पहले मैं आपको एक बार शो करता हूँ जो इंटरनल जो डेवलपमेंट 84 सेक्टर की वो किस तरीके की है, फिर जानेंगे एक्चुअल साइट के। तो दोस्तों शुरू करते हैं मास्टर प्लान से, एक बार मैं आपको मास्टर प्लान से इस सेक्टर की लोकेशन कनेक्टिविटी समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इंटरनली डेवलपमेंट बताऊंगा, इसके इंटरनली जो रोड है वो कहाँ कहाँ से निकलने हैं, क्योंकि मास्टर प्लान पे हम थोड़ा ईजी रहते हैं चीजों को समझने के लिए। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ क्लोवर लीफ फ्लाईओवर के ऊपर, ये है क्लोवर लीफ फ्लाईओवर और ये जो सेक्टर 74A-75A है ये पूरे कमर्शियल सेक्टर है, ये SPR रोड है। उसके बाद ये जो रोड है ये इसको बोलते हैं CPR रोड और ये द्वारका एक्सप्रेस वे यहाँ पे हिट होता है, यहाँ पे लगा हुआ है टोल, ठीक है। तो ये जो CPR है ये CPR द्वारका एक्सप्रेस वे के साथ भी है ऐसे, और डायरेक्ट यहाँ से अंडर पास होता हुआ इस यूटिलिटी कॉरिडोर से होता हुआ मानेसर आप चले जाते हैं। तो सेक्टर 44 की बात करें तो ये जो सेक्टर 44 है ये वाला सेक्टर आता है, जिसके अंदर ये 200 मीटर की फ्रंट में कमर्शियल बेल्ट है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे, यानी द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ लगता हुआ है एक साइड और दूसरा साइड है यूटिलिटी कॉरिडोर के साथ। यानी 84 जो सेक्टर है उसकी बहुत प्यारी लोकेशन है, क्योंकि पूरी तो कमर्शियल बेल्ट आती है 200 मीटर की जो NH-8 के साथ लगती है, फिर इधर कमर्शियल बेल्ट है, उसके बाद इसके अपोजिट साइड सेक्टर 88 जो कमर्शियल सेक्टर है। अब इससे अच्छी लोकेशन तो और क्या हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर लोग हैं वो मेन रोड के ऊपर चीजें चाहते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज होनी चाहिए और सोने पे सुहागा दोस्तों इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे आ रही है ग्लोबल सिटी इन दो सेक्टरों के अंदर, यानी 1000 एकड़ के अंदर। तो ये जो एरिया है ये वाला एरिया, अगर मैं मान के चलूँ ये वाला एरिया पूरा टारगेट होना है इस ग्लोबल सिटी के पास, और यहाँ जो सीही गांव है यहाँ पे आ गया है 15 एकड़ का, आप बस स्टैंड यहाँ पे आ रहा है इसकी लैंड का है, जो आनी है वो सीही गांव के अंदर है, वो बात हो गई है 15 एकड़ यहाँ पे
स्टैंड के लिए, उस पर भी जल्द काम शुरू हो जाएगा। तो ये सेक्टर है, इसके चारों तरफ सेक्टर 88 लगता है, 89 दूसरी साइड है, 85 इसके बैक साइड में सेक्टर 83 है, सामने द्वारका एक्सप्रेस वे कमर्शियल है, बस स्टैंड यहाँ पे है, दूसरी चीज ग्लोबल सिटी यहाँ पे, ठीक है। ये थी इसकी मेजर कनेक्टिविटी। अब मैं बात करता हूँ इसकी इंटरनल डेवलपमेंट के बाद। तो दोस्तों अब देखते हैं एक बार सेक्टर 84 टोटल कितने एकड़ के अंदर है। थोड़ा सा मैं आपको ये इंटरनली चीजें हैं ये थोड़ी सी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ये सेक्टर है 84, ठीक है। इसमें जो सेक्टर की जो टोटल लैंड है वो 360 एकड़ की है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल लैंड है वो एकड़ के अंदर आती है। इसमें एरिया अंडर कमर्शियल यूज है 68 एकड़ का, जो 200 मीटर जो बेल्ट थी ना वो उसके अंदर 60 एकड़ के अंदर आपका वो आता है कमर्शियल बेल्ट। इसके अंदर विलेज आबादी अदर नॉन प्लांट एरिया ग्रीन बेल्ट है 10 एकड़ की। उसके बाद जो नेट प्लान एरिया रहेगा वो रहेगा 310 एकड़ का। इसमें एक हॉस्पिटल भी आता है इस सेक्टर में, वो आता है 8 एकड़ का, ठीक है। ये सेक्टर है, इस सेक्टर के साथ में लगता हुआ सेक्टर आता है सेक्टर 88 जो कि प्योर कमर्शियल है, 387 एकड़ का लैंड बैंक है, ठीक है। अंडर कमर्शियल यूज रहेगा इसमें 335 का। इसमें एक यूटिलिटी की जो लैंड आती है, जो यूटिलिटी कॉरिडोर है उसकी लैंड 15 एकड़ की आती है, ग्रीन बेल्ट 18 एकड़ की आती है, इसमें एक गांव आता है वो है 18 एकड़ का। तो नेट जो प्लान है वो 335 की रहेगी, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं क्योंकि ये है कमर्शियल सेक्टर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बगल में 89 सेक्टर की बात करें तो जो 89 सेक्टर है उसके बगल में एक कॉलेज आता है 15 एकड़ का, ठीक है। पुलिस स्टेशन आता है 2 एकड़ का और 3 एकड़ में आता है आपका ESS, ठीक है। तो इसमें ग्रीन बेल्ट 9.5 एकड़ की है, यूटिलिटी कॉरिडोर में लैंड इसकी है 14.5 एकड़ की, तो टोटल लैंड इसमें है 532, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब बात करते हैं इस सेक्टर के एक्चुअल की ये कहाँ पे है। तो दोस्तों ये सेक्टर है आपका 84 को मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे 84 की बेल्ट है। ये पूरी 84 की लैंड आती है, ये पूरा 84 सेक्टर है। जो हॉस्पिटल की लैंड आनी है वो इस कॉर्नर पे आनी है, इस अपर द्वारका एक्सप्रेस वे बोलते हैं इस चौक के ऊपर, श्याम बाबा चौक है ये, इसको बोलते हैं हम श्याम बाबा चौक, ठीक है। उसके बाद इसके अपोजिट में ये सेक्टर 88 हो गया। तो सेक्टर 84 ये जो बेल्ट है ये 200 मीटर की कमर्शियल बेल्ट है, ये वाली ये कमर्शियल बेल्ट है 200 मीटर के। उसके बाद इसमें शुरू हो जाते हैं जी आपके इंटरनली सेक्टर, यानी अगर हम डिवाइडिंग सेक्टर बोले तो ये 83 के सामने वाला जो सेक्टर है ये आता है 60 मीटर का। उसके बाद यूटिलिटी कॉरिडोर यानी 160 स्क्वायर में ये रोड है यूटिलिटी कॉरिडोर जो डायरेक्ट मानेसर के अंदर जाता है, और ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे रोड है, ठीक है, 150 मीटर वाइड रोड। उसके बाद ये जो 24 मीटर रोड है ऐसे निकलने हैं जो आगे कमर्शियल वाले 24 मीटर के साथ जाएंगे, एक 24 मीटर रोड यहाँ से निकलना है और एक 24 मीटर यहाँ से निकलना है, ठीक है। अब जो गंगा रियल्टी का जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो इस 24 मीटर रोड पे भी लगता है। तो मैं है ना ये इंटरनल डेवलपमेंट आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में ना ये नक्शा छप जाएगा कि जो 84 सेक्टर है वो ऐसे कनेक्टेड है, इधर ये बेल्ट लगती है, इधर ये रोड लगता है, और आपके जो सेक्टर की इंटरनली जो 24 मीटर रोड है वो इस तरीके के हैं। तो दोस्तों आप ना ज़्यादा देखो अपडेट वीडियो के थ्रू नहीं आ सकती, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो आपको ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि अभी ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट है वो UI के बिहाफ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कनेक्टिविटी होनी है, और जो ये वाला जो एरिया है ना ये वाला ये पूरा भरा हुआ है इस टाइम। मैं आगे आपको वीडियो दिखाऊंगा एक्चुअल, तो उसमें ये सारी सोसाइटियाँ हैं, SSK हैं 3-4 प्रोजेक्ट, यहाँ फिर आपका अंतरिक्ष साइट्स का अच्छा प्रोजेक्ट है, स्पेस प्रीवियट 4 है, प्योटल दीवान है, कोरल वुड है, अल्मेरिया है, लिंडन है, ठीक है, कई प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे। फिर ये जो कमर्शियल बेल्ट है यहाँ DLF के भी SU प्लॉट हैं, M3M के भी हैं, यहाँ पे रहेजा के हैं, तो इस कमर्शियल बेल्ट में ये SU या कमर्शियल बिल्डिंग ही यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं दोस्तों एक्चुअल साइट। तो दोस्तों अभी आपने समझा जो मैंने इंटरनल डेवलपमेंट बताई थी 84 सेक्टर की वो किस तरीके की, कहाँ से 24 मीटर रोड, कहाँ से मेजर कनेक्टिविटी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, कहाँ पे कमर्शियल बेल्ट, ये सब आ रहे हैं। अब बात करते हैं
इसके ड्रोन वीडियो के थ्रू आपको 84 सेक्टर दिखाने की कोशिश, क्योंकि हो सकता है आपको साइट विजिट करने की जरूरत ना पड़े। तो आइए अब एक्चुअल साइट और एक्चुअल सेक्टर देखते हैं और आसपास की लोकेशन को समझते हैं। सो गाइज, ये है ट्रम्पेट रोड, इसको बोला जाता है, जो कि कनेक्टेड होता है आपका द्वारका एक्सप्रेस वे, CPR और मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर। ये लेफ्ट साइड में इलान का मिरेकल है, सेक्टर 84, एंड राइट साइड की अगर मैं बात करूँ तो सेक्टर 88, जो कमर्शियल पूरा कंप्लीट सेक्टर है। इसके अंदर कोई रेजिडेंशियल नहीं आना, जैसे कि हमने पिछले समझा था इसमें मास्टर प्लान के अंदर। इसके अपोजिट साइड में सेक्टर 88 है, जो कमर्शियल है। वैसे मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर जो अभी ये आप जो देख रहे हैं, ये रोड, ये है ना न्यू गुड़गांव की लाइफ लाइन है। जैसे गुड़गांव की अगर लाइफ लाइन की को बोला जाए तो नेशनल हाईवे NH8 गुड़गांव की लाइफ लाइन बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले NH8 ही था जो एक सिंगल रोड हुआ करता था। तो अगर मैं न्यू गुड़गांव की बात करूँ तो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर ये न्यू गुड़गांव की लाइफ लाइन है, क्योंकि ये रोड है ना आपको मानेसर के भी साथ जोड़ता है, द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ भी जोड़ता है, NH8 के साथ भी जोड़ता है, आपको CPR के साथ भी जोड़ता है, सारी कनेक्टिविटी को से एक साथ जोड़ता है, राइट। ये जो चौक है ये श्याम बाबा चौक इसको बोलते हैं, और इस रोड को बोला जाता है अपर द्वारका एक्सप्रेस, यानी ये द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ चलता है, सेक्टर 114-15 पे जाके कनेक्ट होता है। यही रोड डायरेक्ट कनेक्टेड होगा आगे सेक्टर 79B के अंदर, जो 79A, 8 और 9 का जो रोड है जो अभी आप देख रहे पारे वाला, उसी रोड के अंदर जाके ये कनेक्टेड होना है। अभी NH8 तक रेडी है। ये सामने हाई राइज है द लीफ SS का, लो राइज यहाँ पे SS के, अगर प्रोजेक्ट की बात करूँ SS के लिंडन फ्लोर आते हैं, लमसम 27-28 एकड़ के हैं, लो राइज के हैं। यहाँ पे रेट चलता है 9 से 10 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का। तो ये जो बसा हुआ जो एरिया देख रहे हैं, जितने भी टावर आप देख रहे हैं, सारे के सारे टावर 84 सेक्टर के अंदर आते हैं, और 84 सेक्टर के अंदर ही DPS इंटरनेशनल स्कूल है, अच्छे अच्छे स्कूल है। जो आप लैंड ये खाली देख रहे हैं, ये जल्द ही यहाँ पे भरने वाली है, क्योंकि अब जो डेवलपर है वो एक्टिव हो रहे हैं न्यू गुड़गांव की तरफ, और हाई लेवल के रेट में। जो अपार्टमेंट आप देख रहे हैं, SS कोरल वुड है, SS का अल्मेरिया है, ठीक है, SS कोरल वुड होगा, प्योटल दीवान सामने देख रहे हैं, पेज प्रीवी 84 यहाँ पे आता है, अल्फा कोर्प है जो सामने देख रहे हो टावर, और उसके साइड में है अंतरिक्ष साइट, और इसके बीच में जो लैंड खाली है ये लैंड है आपकी गंगा रियलिटी प्रोजेक्ट की, जहाँ पे हाई राइज प्रोजेक्ट है वो आने वाला है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है ना अलग ही दिखेगा, यहाँ पे आप दिख जितने भी सोसाइटियाँ देख रहे हैं ये पुरानी डेवलपमेंट पे है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वीक है, बिल्कुल वीक है इन टावरों की। लेकिन जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है बीच में, इन प्रोजेक्टों से ऊपर से फ्लोर स्टार्ट होंगे इनके, यानी आप मान के चलो कि थर्ड या फोर्थ फ्लोर से यहाँ पे स्टार्टिंग होती है, और इसके बगल में ही कमर्शियल बेल्ट है साथ में, और द्वारका एक्सप्रेस है, और फिर बगल में आती है आपकी ग्लोबल सिटी। ये जितना व्यू है, इसके अपोजिट में सेक्टर 83 आ गया, जिसमें वाटिका का मेजर लैंड बैंक है, वाटिका के फ्लोर्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, और वाटिका के प्लॉट की टाउनशिप हैं, विलाज टाइप हैं। अभी जैसे SS ने 83 के अंदर लॉन्च किया हुआ है, हाई राइज है, ठीक है। तो न्यू गुड़गांव में अब जेंट्री आपको कुछ अलग दिखनी देखने को मिलेगी। अब मानना है कि आपका जो पहले आप कह सकते हैं कि पुराने चीज़ों की आज की चीज़ों में थोड़ा डिफरेंट आया है, क्योंकि पहले कंस्ट्रक्शन बिल्कुल वीप मिलेगी आपको, लेआउट डिफरेंट मिलेंगे आपको, पहले जो चीज़ें हुआ करती थी ना वो बेसिकली, और आज के जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनमें बिल्कुल भी मैच नहीं होती है। मतलब क्या है कि आजकल एक तो मिक्स यूज लैंड प्रोजेक्ट आ गए, जैसे गंगा रियल्टी मिक्स यूज लैंड पे लेके आएगा, ठीक है जी, बगल में कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के अंदर ही आपको कमर्शियल भी, रेजिडेंशियल भी, और थोड़ी सी डिजाइन लग्जीरियस लाइफ यहाँ पे आ गई है। यानी अब आप जो भी साइज देखेंगे लमसम 3000 प्लस 2500 2500 स्क्वायर फीट के, और जो आपके प्राइस होंगे वो 10000 प्लस स्क्वायर फीट के आपको साइज देखने को, रेट में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से देख रहे हो सामने जो लैंड खाली है द्वारका एक्सप्रेस के अपोजिट साइड में, वहाँ सी गांव है ये, और इस सी गांव में 15 एकड़ के अंदर बस स्टैंड पास हो चुका है दोस्तों, और सामने जो खाली लैंड है ये है आपकी ग्लोबल सिटी की। यानी इस प्रोजेक्ट से डायरेक्ट व्यू आप अगर ऊपर का फ्लोर लेते हैं तो ग्लोबल सिटी व्यू पे जाएंगे। ग्लोबल सिटी मींस कि वहाँ का जो FAR है 6.18 FAR है, जो आज जो बिल्डिंगें देख रहे हैं वो 2.64 FAR की है। तो आप देखो कितना मल्टी हाई लेवल, यानी 300 साढ़े 300
फ्लोर्स की बिल्डिंगें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये यहाँ पे रहेजा ट्रिनिटी के यहाँ पे ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है। सामने टी पॉइंट बनता है द्वारका एक्सप्रेसवे का, और डायरेक्ट इसके अपोजिट में आईएसबीटी प्लस मेट्रो डिपो यहाँ पे बनेगा। यानी यहाँ पे रैपिड मेट्रो और जो ब्लू लाइन आनी है द्वारका एक्सप्रेसवे, तो यहाँ पे हब होगा एक प्रकार से, और इसी रोड से कनेक्टिविटी होगी। जो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है, इसी से मानेसर के साथ आपकी मेट्रो कनेक्टेड है। यानी आप मेट्रो के भी पास में है, मेजर रोड के पास में है, आप बस स्टैंड के पास में है, ग्लोबल सिटी के पास में है, कमर्शियल सेक्टर के पास में है। लेकिन अब आपको पेशेंस तो बनाना पड़ेगा। अगर आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बना है अभी। हाँ बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं बना है, क्योंकि आज गोल्डकोस्ट रोड पे जो रेट है वो भी एक टाइम पे वहाँ पे 4-4.5 हज़ार रुपये का रेट हुआ करता था, आज 20 हज़ार के करीब पहुँच गया है। तो रेट और डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट होने में तो टाइम चाहिए ना, तभी आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। और अगर डेवलपमेंट वाले एरिया में जाते हैं तो, अगर आप डेवलपमेंट वाले एरिया में जाते हैं तो आपको ये रेट नहीं मिलेंगे। जो आज आप रेट देख रहे हैं ये आपको आगे कुछ महीने बाद आसपास भी नहीं देखेंगे। सामने आपके M3M के SUs हैं, फिर DLF के SU हैं, और ये पूरी 200 मीटर की कमर्शियल बेल्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे। क्योंकि अभी ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे जो छोटा सा पार्ट है, अभी इस पर वर्किंग नहीं की जा रही, क्योंकि आगे टोल है, टोल की वजह से इसको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपका ट्रम्पट जंक्शन के थ्रू जो रोड है और क्लोवरलीफ फ्लाईओवर CPR से ही आपकी कनेक्टेड होगी, उसके बाद वो आपकी ये जो कनेक्टिविटी है ये बढ़ेगी। यानी आप एक ऐसी जनरेशन के अंदर प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं जो उसका आपको रिटर्न भी, और आपकी जो मतलब होता है ना कि मैं एक लग्जूरियस टाइप का प्रोजेक्ट चाहता हूँ लोकेशन वाइज, तो आप इस लोकेशन से चारों तरफ जा सकते हैं। अगर आप द्वारका एक्सप्रेस के साथ, यानी इस एरिया में NH8 के नज़दीक है, और आप क्लोवरलीफ फ्लाईओवर के साथ में टच में है नज़दीक, तो आप किसी भी एरिया में बड़ी आसानी से जा सकते हैं। तो आपको एक छोटी सी न्यूज़ दे देता हूँ कि नेक्स्ट मंथ से आपका जो एक्सटेंशन और SPR रोड है उसके ऊपर रिव्यू का काम है वो शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाता हूँ, तो उसमें डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको न्यू तो आप लोगों ने समझा इंटरनल डेवलपमेंट एक्चुअल साइट किस तरीके की कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी मेजर है, क्योंकि ये जो चीज़ें आप आज के टाइम में जो चीज़ें देख रहे हैं ये आगे नहीं मिलने वाली है, क्योंकि हर टाइम एक सा नहीं रहता। क्योंकि गुड़गांव के अंदर जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वो बदल रहा है, धीरे धीरे चीज़ें हैं वो बदल रही हैं। अब रियल स्टेट के अंदर आप मेजर इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े साइज अब प्रॉपर्टी के अंदर आने वाले हैं। यहाँ पे 3CR 4CR ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अच्छी अच्छी लोकेशनों के अंदर। तो आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, अभी UI जा रहा है, एक बेटर चीज़ है वो आप ले सकते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी देखिए काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है, और सेक्टर भी बहुत ही अच्छा है, कमर्शियल बेल्ट है, और डेवलपर भी अच्छा है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से अफोर्डेबल बना रहे थे। अभी इन्होंने पीछे ततास्तु सोना के अंदर लॉन्च किया था, और अब ये लग्जरी और इसके बैक टू बैक और भी कई प्रोजेक्ट है वो आ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप कॉन्टैक्ट करें।